आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सीखेंगे अपूर्ण वर्ग संख्याओं का वर्गमूल निकालना। अभी तक जो हमने वर्गमूल निकालना सीखा वो सारी पूर्ण वर्ग संख्याएं थीं। किसी अपूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल पूरा पूरा नहीं आता है, दशमलव में उसका मान आएगा। देखते हैं कि पूर्ण वर्ग और अपूर्ण वर्ग संख्याएं कौन सी होती हैं। ऐसी संख्याएं जिनका वर्गमूल पूरा पूरा निकाला जा सकता है पूर्ण वर्ग संख्याएं कहलाती हैं। जैसे पूर्ण वर्ग संख्याएं हमारी हैं 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 121, 144, 149, 169। जैसे 1 का वर्गमूल 1, 4 का 2, 9 का 3, 16 का 4, 25 का 5, 36 का 6। इस तरीके से हर संख्या का वर्गमूल पूरा पूरा निकाला जा सकता है। इनके बीच की जो संख्याएं बची वो अपूर्ण वर्ग संख्या होंगी और उन संख्याओं का वर्गमूल पूरा पूरा नहीं आएगा, डेसिमल में आएगा। मान लीजिए उदाहरण के रूप में हम लेते हैं अंडर रूट 2 का मान, यानी कि 2 का वर्गमूल निकालेंगे। 2 एक अपूर्ण वर्ग संख्या है। अब चूंकि इनका वर्गमूल दशमलव में आता है तो इनका वर्गमूल लगातार आता चला जाएगा, तो दशमलव के बाद निश्चित स्थान तक इनका वर्गमूल निकालते हैं। मान लीजिए अंडर रूट 2 का वर्गमूल हम दशमलव के 3 स्थानों तक निकालना चाह रहे हैं, तो कैसे निकालेंगे देखें। सबसे पहले 2 लिखा और चूंकि सिंगल संख्या है तो सिंगल पेयर बनेगा, तो यहाँ पे 1 और 1, 1 इक्वल 1, 2 दूनी 4 ज़्यादा हो जाएगा, तो 2 से 1 घटा तो बचा 1 और यहाँ पे वही 1 इसमें जोड़ देंगे तो 2 हो गया। अब वो दशमलव लगाएंगे, आगे कोई संख्या नहीं है तो दशमलव लगाने के बाद भाग में 1 0 उतरता है, इसमें 2 0 एक साथ उतरते हैं, यानी 2 0 सीधे एक पेयर उतरता है। दशमलव लगा के 2 0 उतरेंगे। अब देखेंगे यहाँ कितनी संख्या दे इसकी, इससे मल्टीप्लाई होकर 100 या 100 से कम रहे तो 3 देंगे, 3 3 9, 3 2 6 कम रह गई, 4 देंगे तो 4 4 16, 4 2 8, और 5 देंगे तो ज़्यादा हो जाएगी, इसलिए 4 जाएगा। 4 यहाँ दिया, 4 यहाँ दिया, 4 4 16 के 6 हाथ से लगाए, 4 2 8 और 1 9, तो 10 में से 6 गए बचा 4 और यहाँ रह गए 9, 9 में से 9 गए तो कुछ नहीं बचा, तो कुल मिला के 100 से 96 घटे तो 4 बचा। अब यहाँ पर 4 लास्ट डिजिट जुड़ जाएगी तो हो गया 28। अब क्या करेंगे, अब 2 0 इसमें और बढ़ाएंगे। अब देखते हैं कि कितना बार जाएगा इसमें। अगर 2 बार देते हैं तो 400 से ज़्यादा हो जाएगा, यहाँ 2 लिखेंगे, 2 2 4, 2 8 16, 2 2 4 1 5, इसलिए बार जाएगा 1, यहाँ 1 जाएगा, 1 यहाँ जाएगा, 1 इक्वल 1, 1 8 8, 1 2 2। अब घटाते हैं, 10 में से 1 गया बचे 9, यहाँ 9 में से 8 गए तो बचा 1, अब यहाँ रह गए 3 से 2 गए बचा 1। अब भी इधर लास्ट डिजिट का इसमें जोड़ देंगे तो जुड़ के आ जाएगा 2 8, यानी कि 282। अब फिर से इसमें 2 0 बढ़ाएंगे, अब देखेंगे कितना बार जाएगा। आइडिया लगा लेते हैं, तो अगर 5 बार देंगे तो 5 यहाँ लिखना होगा, 5 25 के 5 हासिल लगे 2, 5 2 10, 2 12 के 2 हासिल लगा 1, 5 8 40 और 41 का 1 हासिल लगे 4, 5 2 10 4 14, ज़्यादा हो रहा है, 5 देने से ज़्यादा संख्या आ रही है। अगर 4 दें तो 4 4 16 के 6 हासिल लगा 1, 4 2 8 और 1 9, 4 8 32 के 2 हासिल लगे 3, 4 2 8 और 3 11, यानी कि 4 बार चला गया। अब देखेंगे 10 से 6 घटा बचा 4, 9 से 9 गया बचा 0, यहाँ रह गए थे हासिल उधर लेने के बाद 8 से 2 गए तो बचा 6, तो दशमलव के 3 स्थानों तक निकल गया 1.414। इस तरीके से अंडर रूट 2 का मान आ गया 1.414, दशमलव के 3 स्थानों तक निकल गया। इस तरीके से रूट 2 का मान निकाल सकते हैं। अब देखते हैं एक संख्या और लेते हैं, मान लीजिए रूट थ्री का मान हमें निकालना है, अंडर रूट 3 का मान देखें कैसे निकालेंगे। अंडर रूट 3 का मान मतलब 3 का वर्गमूल निकालना है, तो उसी तरीके से 3 यहाँ लिख लेंगे,
और तीन में क्या होगा, सिंगल जोड़ा ही बनेगा, तो दो दूनी चार ज़्यादा हो जाएंगे, एक बार जाएगा एक ही कन एक, तीन से एक घटा बचे दो, यहाँ इतना ही जोड़ दिया आ गए दो। अब दशमलव लगा के दो जीरो बढ़ जाएंगे, यहाँ पे हो गया 200। अब देखते हैं कितने बार जाएंगे, यदि आठ बार देते हैं, आठ यहाँ दें आठ यहाँ दें, तो अट्ठू अट्ठू 64 के चार हासिल लगे छः, आठ दूनी 16 और 6 22, ज़्यादा हो गए, इसलिए आठ बार नहीं जाएगा। इसका मतलब एक कम करके देखते हैं, यहाँ देते हैं 7 7 7 49 के 9 हासिल लगे 4 और 7 2 14 4 18, यानी कि 7 बार चला गया। अब देखते हैं 10 में से 9 गया बचा 1, यहाँ 9 में से 8 गया बचा 1, 11 बचे, और यहाँ पे लास्ट डिजिट इसमें जोड़ देंगे तो हो जाएगा 27 में 7 जोड़े तो हो गया 34। अब दो जीरो यहाँ पे बढ़ जाएंगे। अब देखते हैं कि कितना बार जाएगा, अगर 4 देते हैं तो 4 4 16 के 6 हासिल लगा 1 और 4 3 12 और 1 13, ज़्यादा हो रहा है, 3 बार देंगे, यहाँ बार देंगे 3, 3 3 9 3 4 12 के 2 हासिल लगा 1, 3 3 9 और 1 10, 10 29 आ गया, 10 में से 9 गया बचा 1 और 9 में से 2 गए बचे 7 और यहाँ कुछ नहीं रह गया तो सीधे बच रहे हैं यहाँ पे 71। अब इसमें लास्ट डिजिट उतना ही जोड़ देंगे तो ये संख्या आ जाएगी 346। अब यहाँ पे दो जीरो और लगा लेंगे। अब देखते हैं कि कितने बार जाएंगे, अगर 3 देते हैं तो 3 3 9 और 3 6 18 का 8 हासिल लगा 1, 3 4 12 13 के 3 हासिल लगा 1, 3 3 9 1 10, ज़्यादा हो रहे हैं इसलिए 2 बार यहाँ जाएगा। 2 2 4 2 6 12 के 2 हासिल लगा 1 और 2 4 8 और 1 9 और 2 3 6, कितना बचा, 10 में से 4 गया बचा 6, 9 में से 2 गया बचा 7, यहाँ रह गए 0, जब इधर दाहिनी 10 से 9 गया बचा 176। तो इस तरीके से देखते हैं दशमलव के 3 स्थानों तक निकल गया, यानी अंडर रूट 3 का मान निकल गया 1.732। तो इस तरीके से 3 का वर्गमूल निकाला जा सकता है। अब आइए देखते हैं एक संख्या और लेते हैं, मान लीजिए अब हम वर्गमूल निकालना चाहते हैं अंडर रूट 7, यानी अंडर रूट 7 का मान निकालना चाहते हैं, अंडर रूट 7 का मान, यानी 7 का वर्गमूल कैसे निकालते हैं देखें। सबसे पहले लिख लेंगे 7 और 7 उसी तरीके से लाइनें खींच लेंगे तो जोड़ा बनाएंगे, एक ही बनेगा तो 3 3 9 ज़्यादा हो रहे हैं, 2 2 4 2 2 4 यानी 2 बार गया, 7 से 4 घटा बचा 3 और यहाँ पे उतना ही जोड़ दिया तो इधर आ गया 4। अब दशमलव लगा के 2 0 इसमें लग जाएंगे। अब देखेंगे कि कितनी संख्या यहाँ दें कि जिसकी इस पूरी से गुणा करके गुणनफल 300 या उससे कम रहे। तो मान लीजिए अगर 7 देते हैं तो 7 7 49 के 9 हासिल लगे 4, 7 4 28 4 32, ज़्यादा हो रहा है 7 तो 6 बार जाएगा, 6 6 36 के 6 हासिल लगे 3, 6 6 24 और 3 27, इस तरीके से घटाएंगे, 10 से 6 गया बचा 4, 9 में से 7 गए बचे 2। अब यहाँ पे लास्ट डिजिट जोड़ देंगे इसमें तो 46 और 6 इधर हो जाएंगे 52। अब इसमें देखते हैं, अब 2 शून्य और बढ़ाएंगे, अभी दशमलव के 1 स्थान तक निकला है, 2 शून्य और बढ़ाया, संख्या हो गई 2400। अब यहाँ पे कितने बार दें कि इससे गुणा होकर इसके बराबर रहे या इससे कम रहे, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। मान लीजिए 5 देते हैं तो 5 5 25 5 हासिल लगे 2, 5 2 10 2 12 2 हासिल लगा 1, 5 5 25 और 1 26, 5 देने पर संख्या बड़ी हो रही है। 4 देते हैं, 4 यहाँ देंगे 4 यहाँ,
चार चौक 16 के 6 हासिल लगा 1, 4 दूनी 8 और 1 9, 4 पंजे 20, जे आ गए 20। अब 10 में से 6 गए बच्चे 4, 9 में से 9 गया, कुछ नहीं बचा, यहाँ रह गए 3, क्योंकि एक दाही इधर ले गए थे तो यहाँ आ गया 3। और इसमें लास्ट डिजिट उतना ही जोड़ देंगे तो जो 524 में 4 जुड़ गए तो हो गया 528। अब फिर से 20 पुनः इसमें बढ़ा लेंगे आगे। अभी दशमलव के 2 स्थानों तक निकला है, अब देखते हैं कि कितना बार इसमें जाएगा। 5 जाएगा, 5 यहाँ दिया, 5 यहाँ दिया। 25 के 5 हासिल लगे 2, 5 अट्ठे 40, 2 42, 2 हासिल लगे 4, 5 दूनी 10, 4 14, 4 हासिल लगा 1, 25 और 1 26। अब इसे घटा देंगे, 10 में से 5 गया बचा 5, 9 में से 7 2 गए बचे 7, यहाँ रह गया 3, 13 में से 4 गए बच्चे 9 और यहाँ रह गया 9, 9 में से 6 गए बच्चे 3। इस तरीके से दशमलव के 3 स्थानों तक मान निकल गया, यानी कि अंडर रूट 7, यानी अंडर रूट 7 का मतलब 7 का वर्गमूल आ गया दशमलव के 3 स्थान तक, 2.645। अगर और ज़्यादा स्थान तक निकालना हो तो इसी तरीके से 0 बढ़ाते जाएंगे और आगे को प्रोसेस चलती जाएगी। दशमलव के 4, 5, 6 स्थानों तक भी निकाला जा सकता है। अब थोड़ी बड़ी एक अपूर्ण वर्ग संख्या लेते हैं। मान लीजिए हमने संख्या ले ली 221, 221 का हमें वर्गमूल निकालना है जो एक अपूर्ण वर्ग संख्या है, तो 221 लिखेंगे इस तरीके से, दाहिने हाथ की तरफ से जोड़े बनाए और ऐसे ही लाइन खींच देंगे। तो पहले पैर में आया 2, तो यहाँ बाहर जाएगा 1, इकन 1, 2 दूनी 4 ज़्यादा हो जाएंगे, तो 2 में से 1 गया बचा 1, अगला जोड़ा उतार लिया 21, अब यहाँ पे जितना जी दिया था इतना ही और जोड़ दिया, हो गया 2। अब 121 में यहाँ कितना लिखें कि इसके बराबर रहे या इससे छोटा रहे, इससे ज़्यादा ना हो, अगर 5 देंगे तो 25, 125 ज़्यादा हो जाएगा, 4 जाएगा, 4 चौक 16 से हासिल लगा 1, 4 दूनी 8 और 1 9, यहाँ पे आया 96, तो 11 से 6 गए बचे 5, यहाँ रह गए 1, 11 से 9 गए बचे 2, 25 बचा, यहाँ लास्ट डिजिट इसमें जोड़ देंगे तो 24 में 4 जोड़ा हो गया 28। अब क्या करेंगे, आगे कोई संख्या नहीं है तो दशमलव लगा के 20 यहाँ लगाते हैं, दशमलव लगा के सीधे 20 बढ़ते हैं। अब देखेंगे कि कितनी संख्या यहाँ लिखें कि इसकी इसकी गुणा हो के इसके बराबर रहे या इससे कम रहे, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। मान लीजिए 9 लेते हैं, यहाँ 9 यहाँ लिखा, 9 यहाँ लिखा, तो 9 * 81 का 1 हासिल लगे 8 और 9 * 72 और 8 = 80 का 0 हासिल लगे 8, 9 * 2 = 18 और 8 = 26, इससे ज़्यादा हो गई, इसका मतलब 9 नहीं जाएगा, 8 देते हैं, 8 यहाँ लिखा, 8 यहाँ लिखा, 8 * 2 = 64 के 4 हासिल लगे 6, फिर 8 * 2 = 64 और 6 = 70 का 0 हासिल लगे 7 और 8 * 2 = 16 और 7 = 23। अब घटा देंगे, 10 में से 4 गया बचा 6 और यहाँ रह गया 9, यहाँ 4 बचा, 4 से 3 गया बचा 1। अब इसमें लास्ट डिजिट इसमें फिर से जुड़ जाएगी तो 8 * 8 = 16 के 6 और जो हो गया 9 = 96, 296, 288 में 8 जुड़ा तो हो गया 296। अभी दशमलव के 1 स्थान तक इसकी वैल्यू निकली है। अब दूसरे स्थान तक निकालने के लिए फिर से यहाँ पे 20 बढ़ा लेंगे। अब देखेंगे कि कितने बार जाएंगे, अब जाएंगे यहाँ पे 6 बार देते हैं, 6 * 6 = 36 के 6 हासिल लगे 3, 6 * 6 = 36, 3 * 39 = 9 हासिल लगे 3, 6 * 5 = 54, 3 * 57 = 7 हासिल लगे 5, 6 * 2 = 12 और 5 = 17। 10 में से 6 गए बचा 4, यहाँ थे 9, 9 से 9 गए बचा कुछ नहीं, यहाँ बचे 5 और इधर से दहाई ली 15 से 7 गए बचे 8, यहाँ रह गए 8 से 7 गए बचा 1। अब क्या करेंगे, अब दशमलव के 2 स्थान तक निकल गया, अगर 3 स्थान तक निकालना चाहते हैं तो एक बार फिर वही प्रोसेस दोहराएंगे, यहाँ पे लास्ट डिजिट का जोड़ लेंगे तो जुड़ जाएगा 6 * 6 = 12, 2 हासिल लगा 1, 7 * 9 ये आ गया 2972। अब 20 और बढ़ा लेंगे, यहाँ पे 2 शून्य और बढ़ाएंगे दशमलव के तीसरे स्थान तक निकालने के लिए। अब कितना बार जाएगा,
फिर से जाएगा, दो छक छः बार फिर चला जाएगा, यानी छः छक 36 के छः, हासिल लगे 3, और छः दूनी 12, 3 15 के 5, हासिल लगा 1, 6 7 42 और 1 43 के 3, हासिल लगे 4, 6 9 54 और 4 58 के 8, हासिल लगे 5, 6 दूनी 12 और 5 17, घटा देंगे 10 में से 6 गया बचा 4, यहाँ 9 में से 5 गए फिर बचा 4, 3 में से 3 गया कुछ नहीं बचा, यहाँ था 9, 9 से 8 गए तो बचा 1। इस तरीके से दशमलव के 3 स्थानों तक इसका वर्गमूल निकल गया अंडर रूट 221 का, इन्हीं अंडर रूट 221 का मान आ गया निकल कर 14.866। इस तरीके से किसी भी अपूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल निकाला जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद।